नमस्कार दर्शकों, वंदन समाचार में मेरे चवरमा एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित सिहारा थाना क्षेत्र की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद रुमान से मिली जानकारी के अनुसार सिहारा में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गन्ना समिति में गन्ना विकास समिति के अधिकारियों और मिल कर्मियों द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किसानों को जागरूक करते हुए बताया गया कि किसानों की घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर थी, जिसको बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। गन्ना समिति व चीनी मिल में घोषणा पत्र भर सकते हैं, ताकि पेराई सत्र में किसान भाइयों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर SADI वीरेंद्र नाथ, विशेष सचिव प्रदीप कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक गन्ना आयुक्त OP वर्मा सहित किसान मौजूद रहे। विशेष सचिव प्रदीप कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, हमारे यहाँ किसान सीजन शुरू होने से पहले एक घोषणा पत्र भरता है, जिसमें घोषित करता है कि मेरे पास में इतनी कुल कृषि योग्य भूमि है, इतना जो है गन्ना है, और उसकी जो निर्धारित तिथि थी वो 15 अक्टूबर शासन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ अवकाश पड़ गए बीच में त्योहारों के मद्देनज़र, तो उसमें जो है शासन ने निर्णय लिया है किसानों की सुविधा को देखते हुए कि 30 अक्टूबर तक किसान अपना जो है घोषणा पत्र भर सकता है। इस घोषणा पत्र भरने के लिए हमारे यहाँ गन्ना समिति में IT सेल बनी हुई है, हमने एक पूछताछ केंद्र बना रखा है, वहाँ पर एक काउंटर खोल रखा है, चीनी मिल में भी एक काउंटर खुलवा रखा है, और किसान के घोषणा पत्र भरने के लिए समिति के 2 स्टाफ लगे हुए हैं, 2 चीनी मिल में लगे हुए हैं, गन्ना विकास परिषद में भी आदमी हैं, किसान उसका लाभ ले सकता है और अपना 30 अक्टूबर से पहले घोषणा पत्र भर सकता है। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।